अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? क्या रिपोर्ट में क्या बताया उन्होंने? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं। कौन कौन बोल रहा है 17? क्या बता रहे हैं? 17 से 18 के दरमियान में गए। जो जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें 17 से 18 साल के दरमियान है। झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं? पहले तो हमने किया है ना उसको। जी जी जी, बेटी हमारी है। आप इधर। अच्छा, ये तो हमारी है ना, वो कैसे इन लोगों ने इतना झूठ बोला? मेडिकल को भी यहाँ बोला ना। ठीक है, तो जो जो मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल टीम बनाई गई थी उसने आप लोगों को नहीं बुलाया था? आप लोगों से बात बुलाया, अपनी अपनी मर्जी से ले गए। फिर उसके बाद जो है आजम साहब फोन देंगे तो मेडिकल वहाँ जाकर जाके आपने उनको करा लिया। उसका मेडिकल क्यों करा लिया इस तरफ? ठीक है, तो आप लोगों की इस शादी को कितना अर्सा हुआ था? ये पहली बेटी है औलाद में, ये कौन से नंबर पर थी? ये दूसरा नंबर। अच्छा, मेरा बेटा है, फिर उसका बेटी। बेटे की उम्र कितनी है? बेटे की उम्र है 17 दिसंबर 2004। बेटी की उम्र है 6 जनवरी 2008। ठीक है, 6 जनवरी 2008 से भी आप लगा लीजिए, 14 साल 5 महीने 2 दिन। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सारे, जो बे फॉर्म वगैरह सब मेरे पास है। तो ये मतलब घर में कैसा माहौल था? बच्ची जाहिर है आप लोगों से दूर कैसे हुई? बहुत सारे लोग कल भी जैसे सब सवाल कर रहे थे कि माँ बाप को करीब रहना चाहिए बच्चों से, किस तरह ये वाक्य हुआ? बस अभी कुछ दिनों से मैं ना कोविड की वैक्सीनेशन में लगी थी, मेरे फ्लोर अपने काम पे लगे हुए थे और बच्चे की ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी, बेटा भी अपने काम पे था, बस वो ऑनलाइन क्लास में पबजी गेम से सारा मैं 2-3 महीने इस तरह मेरी बच्ची और मेरे पहले पर्सनल। ठीक है, अच्छा अब ये तो फिर पुलिस ज़ाहिर जो रिपोर्ट लाई है और उसके बाद फिर अदालत में ज़ाहिर अदालत उसका जायज़ा लेगी, उसके बाद फैसला करेगी। लेकिन 17 से 18 साल भी अगर बता रहे हैं तो 18 साल से उम्र जब ज़्यादा होगी तब भी कानून के मुताबिक शादी हो सकती है। 18 साल से अगर एक महीना भी कम हुई उम्र तब भी नहीं हो सकती। तो अदालत में आप लोग क्या कहेंगे? अब अदालत को क्या जाके बताएंगे? मेरे सामने के लिए। अच्छा, मैं भी वहीं था। जी, ये भी वहीं थी। ठीक है, वहाँ डील क्यों चली? किसकी डील हुई है? इकबाल को छोड़ दो, तुम इकबाल को तुम छोड़ दो और निम्र को लिया। उसका दामाद जो है, मैं जहाँ काफ़ी दूर मैं शरीफ से काफ़ी अंदर रह रहा था गाँव के अंदर, तो वहाँ भी वहाँ पहुँच गया वो, वहाँ से ढूंढता हुआ। ठीक, इकबाल नाम था? इकबाल नाम था जिसको हमने पकड़वाया वहाँ पर शरीफ से। वो कौन है इकबाल? वो इनका वो दलाल है। ठीक है, वो दलाल है इनका, ये जो है इसकी माँ वो भी करप्ट है वहाँ के। ये नजीब शाहरुख की जो वालद है? हाँ। ठीक है, ये भी करप्ट है वहाँ के थाने के एसओ तो नहीं बोला। अच्छा, इसकी माँ नहीं है? अच्छा, पाला है। अच्छा, इसकी अपनी माँ नहीं है, ये किसी की गोद में पला हुआ? एसओ ने खुद अपने मुँह से बोला है ये लोग करप्ट हैं। ठीक है, ये लड़कियों को सगाई करते हैं। ठीक है, अब बच्ची को वहाँ ले आके जाए थे जब मैं किसी नाउज़ुबिल्ला अगर बच्ची को किसी को कटने करके मैं रखूँगा तो दबाव करूँगा उसको। जी जी, दबाव डालूँगा। ठीक है, अभी ये इंडेशन का तो यही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची से परसों दिन मिला हूँ, बच्ची दे रही है मुझसे, कहना पापा हम लोग हमें जो है शाहरुख वहाँ पर बलोचिस्तान ले गया, मतलब तौसा से बलोचिस्तान शिफ्ट करके ले गया था। ठीक है, अब ये बताए बच्ची वो क्यों कह रही है? उसकी दवाओं में ना भी। जी जी जी, अब वो ये कह रही है पापा मुझसे आगे अभी आपको मैं एक रिकॉर्डिंग से वाला हूँ मेरी बच्ची की, तब वो मुझे आगे यहाँ से ले जाएगी। अच्छा, बेटी खुद कह रही थी आपसे? हाँ, बच्ची को, बच्ची मुझसे ये कह रही है पापा मुझसे आगे ले जाइए। ठीक है, लेकिन ये तो आप ये चीज़ जो है ये जब फ़ोन पे आपकी बात हुई थी तो आपने फ़ोन रिकॉर्ड किया था कि ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। रिकॉर्ड कर ली मैंने उसकी, एक तो बच्ची कतरा की रही है। कल भी उस दिन भी जब मुलाकात की वालदा कोशिश कर रही थी तो वो सही से बात नहीं कर रही थी बार बार। वो मसला ये है अभी भी वो में भी कर सकता है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपनी बच्ची से बात कर रहा हूँ, क्या कह रही है? जी जी जी, आवाज़ आ रही है। यार पापा मैं आ जाऊँ कितने? मैं आ जाऊँ? मैं आ जाऊँ? आप लोग आ रहे हो बेटा? आप हम तो
तुम्हें माफ कर देंगे बेटा, हर चीज से माफ कर देंगे, वो मत करो। ठीक है भाई जी, बड़ा कहां आपके पास सबूत है? और आज सबूत है मेरे पास, ये कुछ सबूत है भैया, मेरे पास नहीं है। जी जी, चले आ जाए कोर्ट में, आ जाए, अभी केस होने वाला है। तो देखो सबूत है जो शाहरुख जो है उसको किस तरीके से टॉर्चर कर रहा था, ये वो सबूत है ऊपर। ठीक है जी, ये बार बार जो है इस वक्त जो है इसको अभी वो टॉर्चर कर रहा है। वो मुझसे कह रही है पप्पा, पहले भी इसने कहा था कोई हरे था, बहुत ज़्यादा बदमाशी हुई थी, तो उसने ये कहा था, कहने पप्पा नबील के साथ कुछ भी हो सकता है। नबील कौन? निमरा, मेरा बेटा। ठीक है जी जी जी, मेरा जी बेटा जो है उसको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, निमरा ने ये कहा था पहले। जी 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 जी, कहने पप्पा नहीं छेड़े इसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये मतलब किसी ना किसी तरीके से आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी जी, ब्लैकमेल कर रहा है, सही है, बच्ची को मेरे ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, जो सच है बात वो सच। जी जी जी, सच की तो ये आप ओपन कोर्ट में तो सारी बातें कह सकते हैं। देखिए अदालत ने तो जितना सपोर्ट हो सकता था बड़े पैमाने पर किया, तो ये तो अब आपको सारे हकायक खुल के आज रखने चाहिए अदालत के सामने। वही तो ये रिकॉर्ड लाया हूँ उसकी मैं। जी 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 जी, ये रिकॉर्ड लाया हूँ कैसे टॉर्चर कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक कि हम तोहफा शरीफ के थाने के अंदर पे गए हैं। जी जी, वहाँ पर इंजेक्शन पड़े हुए थे। ठीक है, मेरे मूवी है उसकी। जी जी जी, मूवी पड़ी हुई है, इंजेक्शन पड़े हुए थे पे, तो इंजेक्शन का क्या मतलब हुआ? उसे घर के पीछे। जी 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 जी, हम कूद के गए हैं उसके अंदर, हमारे साथ पुलिस पार्टी के साथ थी। जी जी जी, इतनी उन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया है वहाँ पे। जी जी जी, और इस वक्त जो है इंजेक्शन पड़ने का मतलब क्या है? ये तो दुआ के वालिद साहब ने भी यही इसी चीज़ का कहा था कि उसको सिर्फ वो ये कह रही है जी, वो मुझे यही है पप्पा, ये मुझे आगे ले जाए, मुझे पप्पा मुझे आगे ले जाए मुझसे। जी जी पप्पा, ये आप आ जाए मुझे, अब हम वहाँ जाते तो हमारे साथ क्या होता वहाँ पे? सही है, हमारे साथ यही होता ना जो हमें किडनैप कर लेते। जी जी जी, जैसे वो कह रही है उस दिन मैं गया था परसों शराबाजी के पास बनागा के अंदर, कहने पप्पा वो मुझे वो बलूचिस्तान ले गया। सही है, निंद्रा बेटी मेरी। जी 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 जी, मैं खामोश सुनता रहा, वो रोती रही, मैं भी रोता रहा, सब उसकी मैं जितनी भी उसकी बातें सुनी मैंने, वो बस ये कह रही पप्पा मुझे इसकी अटैक वापस ले गया। अच्छा, शाहरुख ने इतना दबाव डाला हुआ है। अच्छा, वो उस दिन भी मैं भी सुन रहा था बार बार आपकी बीवी को यही कह रहा था केस वापस ले लो, बाकी मैं देख लूँगा, केस वापस ले लो, क्यों कह रहा है? देखें पहली बार तो थाने के अंदर मैं आपको फिर एक चीज़ थोड़ा वादा कर दूँ, लेकिन वहाँ थाने के अंदर भी शाहरुख ने पैसा दिया था। ठीक है, मुझसे कहने लगा जी अंकल आप जो है एफ आई आर वापस ले लें। मैंने क्यों ले लूँ वापस? अरे बेटा, मैंने भाई अगर थाने में तो दूसरी बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने कहा, अगर आपको मैं वहाँ खाने के अंदर पैसे दूंगा, जी जी, तो मैं कैसे दूंगा पैसे? ठीक है, पैसे दूंगा तो जब भी एफ आई आर वापस। जी 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 जी, जब पैसे दूंगा तो जब भी ख़त्म होते हैं, नहीं आप कोर्ट जाइए वहाँ से अर्जनामा लीजिए और फिलिप कीजिए, और फिलिप करके फिर उसके बाद जो है वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो एस पी बजाज साहब जो है वो इस केस के अंदर थे, और इसके अंदर और दूसरा एतराज भी था। जी जी जी, तो क्यों उन्होंने इसका मतलब पैसे दिए? सही है, तो बहरहाल ये बड़े बड़े संगीन इंकशाफात भी हैं, बड़ी अहम चीज़ें। कमरा अदालत में आप केस चलेगा तो मज़ीद हम लोगों को ही बताएंगे। इस वक्त जो है मैं वहाँ से चला हूँ, तो मैं मुझे बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं बताऊँगा नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी जी, यहाँ मैं रह रहा था वहाँ पर इसका दामाद पहुँचा, मेरे साथ कुछ हुआ है वहाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, उधर मुझे कड़ी भी दी थी और वहाँ पर डराया धमकाया गया, फिर उसके बाद वो है आल्टो वाइट कलर की हमारे पीछे भी, लेकिन सही है वहाँ से क्या होने वाला था क्या नहीं, हमको अल्लाह बेहतर जानता है। सही करें मालिक, हम बच के आ गए वहाँ। ठीक है, चलें अभी कोर्ट में केस चलता है, फिर मज़ीद बात भी करेंगे।